Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mom and Ria. Good morning to all of you. अभी 6:30 हुए हैं और मैं रिया के लिए बनाने जा रही हूँ टिफिन. यहाँ मैं रिया के लिए टिफिन बना रही थी तो बस गोभी के पराठे की स्टफिंग रखी हुई थी तो मैंने बोला रिया से कि मैं कुछ और बना दूँ. बोली नहीं मम्मी, क्योंकि उसको गोभी के पराठे बहुत पसंद है, थोड़े चटपटे होने चाहिए, थोड़ा मतलब तीखा होना चाहिए. तो वो एक दिन पहले हमने खाया था रात को डिनर में, उसको बहुत अच्छा लगा था. बोली मम्मी मेरे लिए थोड़ा बचा देना, मैं टिफिन में गोभी के पराठे ही लेके जाऊंगी. तो बस फिर मेरे को चाहते तैयारी नहीं करनी थी, गोभी के पराठे की स्टफिंग रखी हुई थी तो मैं फिर बस वही रिया के लिए बना रही थी. और साथ में मैंने चाय चढ़ा दी थी. रिया स्कूल जा चुकी थी, फिर मैं नहा के आ गई थी और ये भी जा चुके थे. वही गोभी के पराठे की जो स्टफिंग रखी हुई थी इनके लिए भी एक बना दिया था, ये भी खा लिए थे. और बस फिर मैंने चढ़ा दी थी दाल मसूर की, प्लेन दाल जो मसूर की थी वो, और पालक लहसुनी पालक बनाने के लिए तैयारी कर रही थी. तो फटाफट पालक को हल्का सा गर्म पानी में डाल के बस बॉयल करना था, ज़्यादा नहीं, तो बस मैं वही कर रही थी. और ज़्यादा ढक के नहीं करना है, तो बस पालक बहुत ज़्यादा बॉयल करके उसको ढक के, बहुत ज़्यादा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है. उसको आप गर्म पानी कर दिया और आपने उसमें डाल दिया तो आपकी पालक ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है और बॉयल हो जाती है. उसको अलग से कुछ ढक करके बहुत देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका जो कलर है ना ओरिजिनल वो भी चला जाता है. तो बस यहाँ पर पालक बॉयल हो रही थी और इधर दाल बन गई थी. पालक बॉयल हो चुकी थी तो उसे जल्दी ठंडा करना था, इसके लिए आइस वाला वाटर लेकर के तुरंत उसे उसमें डालेंगे तो जल्दी ठंडा हो जाता है. और फटाफट आप उसको मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं, नहीं तो क्या होता है कि अगर आप तुरंत गरम गरम को निकाल के आपको जल्दी है और आप मिक्सर में डालोगे तो ढक्कन फेंक देगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा भाप बन जाती है कि आप वो ढक्कन उछल के बाहर जाएगा. इसके लिए आपको फटाफट अगर करना है तो आइस वाले वाटर में आप डाल करके इसको तुरंत ठंडा कर सकते हो. आपने पालक को निकाला और पानी को हटा दिया और वो आइस वाले वाटर में डाल दिया तो बस जल्दी ही ठंडा हो जाता है. फिर इसके लिए मैंने तड़का तैयार कर लिया था, उसके लिए कढ़ाई में तेल ले लिया था और दो तीन टमाटर उसको चॉप करने के लिए रख लिया था. प्याज छोटे छोटे कट कर ली थी तो मैंने मीडियम साइज़ की, और लहसुन की, क्योंकि अब ये लहसुन ही पालक बना रही थी तो उसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही होगी, तो मैंने 8-10 कली लहसुन की ली थी. और लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च के साथ उसे कूटने में कूट लिया था और उसी को जीरा डाल करके उसका तड़का लगाया था. फिर प्याज डाल दी, उसको भून लिया, और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, ये डाल दिया सारा कुछ, और इसको भी थोड़ा सा भून लिया. और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा दही डाला था, मेरे पास फ्रेश कर्ड नहीं था, नहीं तो फ्रेश कर्ड ज़्यादा सही रहता है. तो मेरे पास ना ताज़ा का मैंने सुबह मॉर्निंग में ही मंगाया था तो वो दही था, वो भी डाल दिया, वो भी खट्टा नहीं होता है. तो कर्ड ऐड करने के बाद थोड़ी देर पकने दिया, जब वो पक गया ना तो जो पालक को ग्राइंड करके रखा था उसे ऐड कर दिया और लहसुनी पालक बन गई, पालक बन गई थी. दाल ऑलरेडी बन गई थी, चावल को मैंने सीटी लगा दिया था, सोख करके रखे थे, और इधर मैं बना रही थी रोटी. तो यहाँ पे रात के खाने के लिए मैंने ना शाम को ही ये बैंगन का भरता बना लिया था और रोटी के लिए आटा गूंथ के रख दिया था. ये सब्जियाँ मैं छोटी छोटी कट करके, गोभी वगैरह सारी मिक्स वेज बनानी थी, बीन्स वगैरह सब कट करके रख रही थी, क्योंकि सवेरे टिफिन के लिए बनाना होता है ना तो आपको ना सवेरे इतनी आलस आती है ना तो हो नहीं पाता जल्दी, तो थोड़ी प्री प्रिपरेशन करके रख लेते हैं अगर अपन तो जल्दी होता है. हम सब खाना खा के फुर्सत हो गए थे तो मैंने सोचा कि ये जो पूजा के बर्तन है ना उसको भी धो कर के रख देती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि सवेरे बहुत धड़बड़ होती है, जल्दबाजी का काम होता है, तो पहले से अगर थोड़ी तैयारी रहे तो ठीक रहता है.
तो इसीलिए मैं सब्जी वगैरह अगर कुछ ऐसी डिफिकल्ट वाली रहती है जैसे मिक्स वेज वगैरह तो रात को ही कट करके रख लेती हूँ। अगर खाली आलू की बनानी है तो कोई दिक्कत नहीं होती, फटाफट हो जाता है। तो वही सब तैयारियाँ मैं करके रख रही थी। यहाँ ये कपड़े रह गए थे, सारा दिन मैं इस तरह नहीं रख पाई तो मैंने सोचा इसे भी फोल्ड करके रख दूँ। कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिए। रिया अपने स्कूल का वर्क, उसको कॉमिक बुक बनानी थी तो वो बना रही थी अपनी बुक की स्टोरी से ही लेकर के। तो मैं अपने वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय।